पूरा गंदा हो चुका है, यहाँ 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 पूरा धूल मिट्टी लगा है, और यहाँ तो दोस्तों ऑयल लीक हो गया, ऑयल सील भी मेरे को बाद में बदलवाना पड़ेगा, और यहाँ पर पूरा मट्टी वट्टी दे सकते हैं, ये पूरा बैटरी एसिड और मट्टी और ये सब काला वाला जम जम के पूरा खराब हो चुका है। उसको मैं साफ करूंगा, आपको साफ करते टाइम लैप्स दिखा दूंगा। ये देख सकते हैं आप, पूरा कबाड़ा हो चुका है गाड़ी का, उसको हम लोग अच्छे से बनाएंगे। पल्सर का बहुत बुरा हाल हो चुका है, अभी ये बहुत मट्टी वट्टी खाया था, तो इसको हम लोग को भी साफ करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितना गंदा हो रखा है, पूरे वीडियो में समझाता हूँ आपको। पूरा एकदम गंदा हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी पूरा जंक फंक खाया है। गाड़ी का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है दोस्तों, आप लोग दिखा देता हूँ कैसे। साफ कर लिया था सब कुछ, पूरा एकदम अच्छे से साफ हो गया है। तो आप लोग को लगा होगा कि अभी मट्टी वट्टी लगा है, तो मैं एक चीज साफ साफ बता दे रहा हूँ आपको, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये मड नहीं है, ये जंक लगा है पूरा। तो इसको हम लोग किससे साफ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग चाहे तो सैंड पेपर से कर सकते हैं, सैंड पेपर ही करना ज्यादा प्रिफरेबल रहता है, ये सब साफ हो जाएगा थोड़ा सा। तो दोस्तों ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला, ये सब पूरे जंग लगे हुए हैं। इसको साफ करने के लिए मैंने क्या किया, ड्रिल के सामने एक आला लगा लिया है, और साफ करने के काम आ जाएगा। इसी से हम पूरा आपको साफ करके दिखाने वाले हैं अभी। Later. तो दोस्तों अभी हम लोग ने इसको धो के पेंट कर दिया, आप लोग देख पाए होंगे कितना अच्छे से हो चुका है। यहाँ वहाँ पूरे कॉर्नर में मैंने अच्छे से पेंट लगा दिया है, देख सकते हैं। यहाँ के जंग पकड़ लिया तो फिनिशिंग नहीं आया, बाकी इधर आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ और फिनिशिंग के साथ आया है। इधर पे आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ पेंट है। जब आप दोस्तों पैसे बचाना होगा, पेंटर के पास नहीं जाना है, तो घर पे भी इसको कर सकते हैं, बस से ये बता रहा था आपको। इधर भी देख सकते हैं आप लोग,